हाय गाइस, वेलकम टू दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि किस तरीके से सोनी ब्रांडेड टीवी में मार्केट वाला जो पैनल होता है वो इंस्टॉल किया जाता है। आप लोगों को सारे जो डिटेल है वो आप लोगों को बताऊंगा, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। तो हमारे पास आज जो टीवी है वो 32EX420 नंबर का सोनी टीवी है, जो कि ब्रांडेड है और इसका पैनल ख़राब हो चुका है। तो चलिए हम देख लेंगे राजू सर से। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। देखिए, इसका वो पैनल ख़राब है, इसलिए हम वो जो केबल आए खोल के रखा है तो यहाँ पे बैकलाइट जल रहा है, ओनली टीकॉन बोर्ड से सेट चल रहा है, वो पिक्चर नहीं है, ओनली फॉर सेट चालू है, बैकलाइट जल रहा है। तो हमारा दूसरा पैनल लगाने का टाइम क्या होता है देखिए, अभी हम टीकॉन बोर्ड खोल दे रहा है, निकाल दिया टीकॉन बोर्ड, अभी चालू करेंगे सेट और दिखाएंगे क्या हो रहा है। देखिए, जैसे हम सेट चालू किया, साथ साथ सेट में क्या हो रहा है देखिए, अच्छा करके सेट का जो स्टैंड बाई एलईडी है ना, जो स्टैंड बाई एलईडी है वो ब्लिंक में चला जाएगा। कितना ब्लिंक? 5 ब्लिंक। देखिए, 1 2 3 4 5 5 ब्लिंक्स। 5 ब्लिंक्स मीन्स पैनल एरर, वो बता रहा है पैनल ख़राब है। तो हम तो टीकॉन बोर्ड निकाल दिया, क्या है इसलिए देखिए टीकॉन बोर्ड नहीं है। दूसरा पैनल जैसे लगाएंगे वही 5 ब्लिंक ही बताएंगे। तो हमको पहले क्या है, 5 ब्लिंक रिमूव करना पड़ेगा। तो 5 ब्लिंक हम कैसे रिमूव कर सकते हैं देखिए, कैसे रिमूव होगा, वो जो टीकॉन बोर्ड है ना, वो टीकॉन बोर्ड में देखिए 2 मेमोरी आई सी है। देखिए अच्छा करके हम दिखा रहे हैं, देखिए 1 मेमोरी आई सी है, 2 मेमोरी आई सी है। 1 मेमोरी आई सी वो जो है वो हमारा सिग्नल प्रोसेसर का चलने के लिए मेमोरी है, उधर जो छोटा मेमोरी है, छोटा मेमोरी है हमारा जो LPTS पॉइंट में वो जो 2 डॉटिंग है, सीरियल और डाटा लिखा रहे देखिए, वो सीरियल डाटा है उसका साथ कनेक्टेड है। आप मीटर का बार्जर पॉइंट रख के वो मेमोरी आईसी को आप देख सकते हैं, उसका साथ वो कनेक्टेड है। वो क्या है, जैसे हमारा प्रोसेसर चालू हो जाता है, दूसरा छोटा मेमोरी भी 3.3 वोल्ट मिल जाता है, और वो 3.3 वोल्ट मिल जाने का साथ साथ उसका जो सीरियल डाटा है ना, वो जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड का साथ LPTS केबल का साथ सॉकेट में लगा रहता है, वो सीरियल डाटा मदरबोर्ड का साथ कनेक्ट हो जाता है। और वो भी बताता है देखिए, वो जो सीरियल डाटा है वो LPTS से मदरबोर्ड का साथ कनेक्ट हो जाता है, और वो साथ साथ बताता है पैनल ओके है, पैनल आईडी है, वो पैनल आईडी है, वो जो छोटा मेमोरी वो पैनल आईडी है। हम क्या करेंगे, हमारा जो सोनी में है वो सैमसंग टाइप पैनल है, और हम अभी जो फिक्स करने जा रहा है वो LG टीकॉन वाला पैनल है। तो अभी क्या है, मार्केट में छोटा से एक कन्वर्शन आया, एडाप्टर आया, वो एडाप्टर से आप सैमसंग टू LG कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो जो कन्वर्टर है वो कन्वर्टर का साथ एक LDO लगा हुआ है, जो TP-LON7 LDO का मीन्स है लो ड्रॉप आउटपुट। तो हम अभी क्या करेंगे देखिए, हमारा टीकॉन बोर्ड में जो मेमोरी आईसी है वो छोटा वाला जो पैनल आईडी है वो ओपन करके हमारा जो कन्वर्शन है सैमसंग टू LG उसमें हम लगा देंगे खोल के।
ग्लॉट से खोल के हम वहाँ पे सेट कर देंगे। देखिए ये हमारा हैंड ग्लॉट है और खुद हम कैमरा कर रहे हैं, हमारा साथ कोई साथियों नहीं है अभी रात में, इसलिए हम अच्छा से आपको देखा नहीं पाए। तो हमारा एक ग्लोअर है, हैंड ग्लोअर है, वो हैंड ग्लोअर से ही हम उसमें खोल के दूसरा जो कन्वर्शन है कन्वर्शन का ऊपर हम फिक्स कर देंगे, क्योंकि वो जो कन्वर्शन है कन्वर्शन यूज़ करने से अच्छा होता क्या, जो साइड में सैमसंग है वो साइड में सीरियल डाटा का साथ कनेक्टेड है, दूसरा जो एलजी साइड है एलजी साइड में हमारा सीरियल डाटा कनेक्ट नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम होता नहीं है। इसलिए देखिए ये हम खोल दिया और वो हम यहाँ पे फिक्स कर दिया। देखिए वो मेमोरी का जो 3.3 वोल्ट है वो एलडीओ से दे दिया, वो 12 वोल्ट इधर है देखिए वहाँ से 3.3 वोल्ट दे दिया, अलग से हम मदरबोर्ड से 3.3 वोल्ट नहीं लगा और सीरियल डाटा भी हमको अलग से वायर से कनेक्ट नहीं किया, हम सीधा वह लगा दिया वह कनेक्ट हो गया। वहाँ पे देखिए 3.2 वोल्ट बता रहा है, 12 वोल्ट से 12 वोल्ट से 3.2 वोल्ट बता रहा है हमारा मीटर, एलडीओ से 3.3 वोल्ट वो मेमोरी आईसी चलने के लिए दे दिया, 12 वोल्ट देखिए इन हो रहा है, जो आउट है वो TP-LO17 एलडीओ से 3.3 वोल्ट है। तो अभी हम देखिए चालू कर दिया, हमारा बैक लाइट और भी जल गया, 5 वोल्ट रिमूव हो गया, देखिए 5 वोल्ट रिमूव हो गया, हमारा सेट चालू हो गया, बैक लाइट देखा जा रहा है यहाँ पे, देखिए क्या है जैसे चालू हुआ वो जो मेमोरी है छोटा जो पैनल आईडी है पैनल आईडी मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट हो गया, मदरबोर्ड को वो फीडबैक दे रहा है जो हम पैनल चल रहा है, क्योंकि ये दूसरा तरीका से ये चालू कर दिया, मार्केट में अभी अवेलेबल है, इसको बोलता है सैमसंग टू एलजी कन्वर्शन, सैमसंग पैनल है, सैमसंग का जो साइड में पॉजिटिव सप्लाई है एलजी का ऑपोजिट साइड में पॉजिटिव सप्लाई है, इसलिए ये यूज़ करने से अच्छा होता है। देखिए बैकलाइट जल रहा है, सेट चालू हो गया, 5 लिंक रिमूव हो गया, अभी आप कोई भी पैनल वहाँ पे डाल सकते हैं रेजुलेशन का हिसाब से। तो हम और आप दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं, मार्केट में अभी छोटा पैनल आईडी बोर्ड भी आ गया, वो पैनल आईडी बोर्ड से भी आप कर सकते हैं। तो मदरबोर्ड से आपको 3.3 वोल्ट ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे 3.3 वोल्ट है, और हमारा बोर्ड में पीसीबी में मदरबोर्ड में जो सीरियल डाटा है उसका साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, वो बोर्ड में 3.3 वोल्ट SCL SDI दिया हुआ है। देखिए ये हमारा छोटा मार्केट में मिलता है, दोनों टाइप आईसी आप लगा सकते हैं, बोरा वाला 24C32 भी लगा सकते हैं, ये मार्केट में मिलता है। देखिए 3.3 वोल्ट SDI SCL ग्राउंड लिखा हुआ है वो बोर्ड में, आपको वो कनेक्ट करना पड़ेगा और आप देखिए ये भी मार्केट से मिलता है क्या, आपको जो पैनल आईडी है वो पैनल आईडी आप RT809F से रीड कर सकते हैं, रीड करके सेव भी कर सकते हैं, और मार्केट में जो 24C32 मिलता है उसमें भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। देखिए इससे मार्केट में मिलता है ये RT809F का साथ लगा के कॉपी करने के लिए, ये मार्केट में मिलता है, आपका पास नहीं है तो आप अलग से वो खरीद सकते हैं, कलकत्ता मार्केट में तो अवेलेबल ही है। देखिए ये दोनों टाइप आईसी है, आप रीड राइट कर सकते हैं इसमें, और देखिए लगा दिया और लिखा है सैमसंग SD2LG इस साइड में, देखिए देखिए दो साइड में VCC है, सैमसंग में जो साइड में है LG का ऑपोजिट साइड में है, देखिए तो आपको इजीली हो जाएगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी मार्केट में पैनल आ गया, आप सोनी में है कोई भी सेट में पैनल डाल सकते, जहाँ पे सैमसंग पैनल है वहाँ पे एलजी बीओई कोई भी पैनल डाल सकते, एवीओ कोई भी पैनल आप डाल सकते हैं सर। तो फाइव लिंक रिमूव हो गया सर। देखिए सर, अभी वो एलजी वाला जो टिकन है वो पैनल हम सेट कर दिया। देखिए आपको सेट कर दिया, देखिए ए एल जी टिकन टिकन वाला पैनल है, टिकन का साथ वो लगा दिया। अभी चालू करेंगे, देखिए पिक्चर आ गया यहाँ पे, देखिए पिक्चर आ गया, ब्लिंक भी नहीं है, हमारा सेट चालू हो गया। सोनी सेट में लगाने का टाइम, कोई भी पैनल चेंज करने का टाइम आप सावधानी से देखिए, जो ब्रैकेट का ऊपर पुराना पैनल लगा रहता है उसको अच्छा ध्यान से देखिए, हमारा जो नया पैनल है वो अच्छा से उसका साथ सेट हो रहा है कि नहीं है रहे। सेट नहीं हो रहा है तो साइड में आप जो ब्रैकेट है थोड़ा सा ब्लेड से काट के साफ कर दीजिए और लेवल करके बैठा दीजिए, क्योंकि एक धार ऊंचा है दूसरा साइड नीचू है और उधर कोई ऊपर से कोई प्रॉब्लम होगा तो पैनल लगाने का टाइम आपको जैसे आप सेट करने जाएगा प्लास्टिक और कैबिनेट उस टाइम टूट सकते हैं, इसलिए आपको अच्छा से ध्यान से पैनल लगाना पड़ेगा। सोनी और कोई भी पैनल लगाने का बाद आपको उल्टा आ जाएगा तो सोनी सोर के तो आप मिरर सेट करके वो उल्टा सीधा कर सकते हैं। सोनी में उल्टा होने से आप सॉफ्टवेयर में भी सीधा कर सकते, दूसरा दूसरा तरीका है उसको भी कर सकते, जिसको जो तरीका आ जाता है उसको उससे आप मिररिंग जो बोलता है वो कर सकते हैं। तो आपने देख लिया किस तरीके से एक ब्रांडेड टीवी के अंदर मार्केट वाला जो पैनल है वो इंस्टॉल किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि किसी भी टीवी के अंदर पैनल को इंस्टॉल करने के लिए कौन कौन सा जो मेन टॉपिक है वो आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि आप लोगों को ये भी बताया गया कि कौन कौन सा ऐसा मॉड्यूल है जिस मॉड्यूल के ज़रिए आप किसी भी टीवी के अंदर पैनल को इंस्टॉल कर सकते हो। तो इन जो सारे जो चीज़ है इसका और भी डीपली जो नॉलेज है ये हम आपको ट्रेनिंग में सारे कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप एक अच्छा टेक्नीशियन बनना चाहते हो या आप सीआरटी टीवी से एलसीडी एलईडी या स्मार्ट टीवी में अपग्रेड होना चाहते हो तो आप हमारे पास ट्रेनिंग ले सकते हो। ऊपर जो आपको नंबर दिख रहा होगा इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे ट्रेनिंग के बारे में जानकारी ले सकते हो। और हमारा जो नेक्स्ट ट्रेनिंग है वो मुंबई में है जो कि 1 दिसंबर से है। तो अगर आपको ट्रेनिंग लेना है और आप मुंबई के आसपास रहते हो तो अभी कॉल करके सीट के बारे में जानकारी ले लीजिएगा। तो अगर आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो। उसके अलावा आप हमारे साथ पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए और इंस्टाग्राम और जरिए तो नीचे हमारा सारे कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। हम मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।